भागलपुर में हुए बम धमाके में 15 लोगों की मौत और कई मकान जमीन दोज होने के बाद पीड़ित के परिजनों से मिलने बिहार सरकार के मंत्री से लेकर केंद्र सरकार के मंत्री तक पहुंचे और उन सबों ने पीड़ित को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। लेकिन घटना के 11 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक किसी प्रकार की सरकारी सहायता पीड़ित परिवारों को नहीं मिल पाई है। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस विधान दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा, कहलगांव के बीजेपी विधायक पवन यादव, पीरपेटी के बीजेपी विधायक ललन पासवान, बीपुर के बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी पीड़ितों को सांत्वना और ढाढ़स देने पहुंचे। सभी नेताओं ने अपने अपने स्तर से दावे और वादे भी खूब किए। सरकारी सहायता की बात जोर है, पीड़ितों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। राजवली चक में हुए बम धमाके में अपने पिता राजकुमार शाह एवं भाई राहुल को खोने वाले और धमाके में खुद बुरी तरह जख्मी होने वाले सरवन का दर्द अब छलकने लगा है। घायल सरवन ने बम धमाके के विषय में पूरी जानकारी देते हुए बताया कि 3 मार्च की रात वह अपने भाई और पिता के साथ खाना बनाकर बाहर निकला और उसके पिताजी और भाई अपने रूम में सोने चले गए। इसी दौरान जोरदार धमाका हुआ और वह मलबे के ढेर में दब गए, जिसके बाद वह बेहोश हो गए। होश में आने के बाद पता चला कि उसके बेकसूर पिता और भाई की मौत हो चुकी है और उसके बाद वह अस्पताल में इलाजरत है। अब तक किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता किसी भी पीड़ित परिवार को नहीं मिल पाई है। दूसरे के घर में हुए भयानक बम विस्फोट के कारण उसका भी मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसको प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया है। परिवार के सभी लोग दूसरे के घर में शरण लिए हुए हैं। जो भी जमा पूंजी थी समाप्त हो चुकी है और जो हालात बन रहे हैं, यदि सरकारी सहायता नहीं मिलती है तो सभी पीड़ितों को भीख मांगकर अपना गुजर बसर करना होगा। लेकिन जिस तरह बागलपुर बम धमाके के पीड़ितों की परेशानी बढ़ती जा रही है और अब तक किसी भी प्रकार की कोई सरकारी सहायता इन पीड़ितों को नहीं मिला है, या राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के मंसूबों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि भागलपुर बम धमाके की गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ी थी और प्रधानमंत्री ने खुद इस घटना पर खेद व्यक्त करते हुए ट्वीट भी किया था और मुख्यमंत्री से बात कर इस घटना पर नज़र बनाए रखने की बात भी उन्होंने कही थी। अरे यार मोबाइल के ऊपर भाई और हम तीनों खाना खा करके रूम के बाहर निकले थे तो पापा भाई हाथ धो करके रूम के अंदर चले गए और हम बाहर ठहरे थे प्लेट धोने के लिए। उसके बाद अचानक से क्या हुआ, घर गिरा, क्या हुआ उनको कोई आइडिया नहीं, हम बेहोश हो गए थे। और फिर जब हमको होश आया तो हम हॉस्पिटल में थे। फिर सबसे पूछे कि मेरा और बाकी सब परिवार, मेरा भाई पापा सब कहाँ है, तो सब बोले कि डेथ कर गया। लेकिन बाकी कई लोग अभी तक आए पूछने के लिए,
कैसे हो, क्या हाल है, कैसे घटना घटा, लेकिन किसी की तरफ से कोई मदद नहीं मिला, सब सिर्फ आश्वासन दे रहा है। आज घटना हुए 10-12 दिन होने चला, लेकिन किसी का कोई खबर ही नहीं है। सभी बोल रहे सरकारी काम है, लगेगा लंबा टाइम, लगेगा लंबा टाइम, तो तब तक क्या रोड पर रहें, रोडे पर रहेंगे, खाना पीना भीख मांग करके खाएं। अब तो हम लोग रोडे पर रहेंगे, रोडे जाम होगा, खाना पीना भीख मांग के खाएं। सरकारी फेरा में पड़े हैं तो क्या कर सकते थे, पढ़ाने वाला था। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।